दोस्तों आज की कहानी है, माँ भाभी को इतनी सूड मत दो, बाद में वह सर पर चढ़कर नाचने लगेगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सरला जी के पास बहू स्वाति अपने बच्चे को देते हुए कहती है, मम्मी जी आप बाबू को संभाल लेगी, यदि आप कहे तो मैं न जाऊं। तब सरला जी कहती, अरे स्वाति कैसी बातें कर रही हैं, मैं बाबू का अच्छे से ख्याल रखूंगी, अभी बाहर ठंड है इसलिए अपने बाबू को नहीं भेज रही हूँ तेरे साथ, और तू बिल्कुल फिक्र न कर, आराम कर जा, यहाँ मैं और तेरे बाबा हैं, सब देख लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी की आवाज़ आती है और सुमित भी आ जाता है। सुमित कहता है, जल्दी करो स्वाति हम लेट हो रहे। सुमित के इतना कहते ही वह सरला के पास बाबू की दूध वाली बोतल, कपड़े और उसकी जरूरी चीजें सब रखती है। तो सरला जी प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, अरे स्वाति मैं सब कर लूंगी, मुझे भी सब पता है कैसे बाबू का ध्यान रखना। हाँ मम्मी जी मैं साथी हूँ आपको, अभी कि कम से कम परेशानी हो, ये कहकर पैर सूकर बाहर निकल जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद ननद निया आती है और पूछती, अरे मम्मी आप बाबू को संभाल रही हैं, भाभी का है। फिर सरला जी बताती हैं कि सुमित और स्वाति एक शादी में गए हैं, वह कितने दिनों से नहीं गई, इसलिए सोचा उसको भेज दूँ तो उसे अच्छा लगेगा। ये अच्छा है मम्मी, छोटे बच्चों को आप संभाले और भाभी आराम से घूमे, ये भी कोई बात हुई। तू कैसी बात कर रही है बेटा, अगर मैं अपने पोते को संभाल रही हूँ तो तुझे क्या दिक्कत है, तू ये सब क्यों सोच रही है, तुझे खुश होकर बाबू को मेरे साथ संभालना सही, और तू ये बातें करके बैठ गई और सुना क्या हाल साल है। मम्मी मेरे यहाँ तो सब बढ़िया है, पर यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, आप भाभी को बहुत सूट दे रही हो, देखना एक दिन सर पर नाचेगी। अरे तू कैसी बैकी बैकी बातें कर रही है, स्वाति शादी में गई है न कि कहीं घूमने, और वह शादी के बाद कहीं घूमने नहीं तक नहीं जा पाई, अब भी मैं उस पर पाबंदी रखूं, अगर तेरी सास तेरे साथ ऐसा भी करे तो तुझे अच्छा लगेगा क्या, और दो दिन की बात है मैं संभालूंगी बाबू को। थोड़ी देर बाद एक फोन आता है तो वे सुनार से बात करते हुए कहती हैं, हाँ भैया सेट तैयार हो तो भिजवा दीजिए। इतना सुनते ही फिर बेटी पूछती, मम्मी क्या मंगा रही हो। तब उसकी माँ कहती, मैंने एक गले का सेट बनवाया है, उसी की बात चल रही थी, और वह सुनार आज देख जाएगा। अच्छा मम्मी किसके लिए हार बनवाया है, निया पूछती है। तब वह कहती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया। तो निया सेक कर कहती है कि मम्मी मेरे लिए अभी क्यों, आपने मेरे जन्मदिन पर डायमंड की रिंग तो दी थी। तब सरला जी कहती हैं, और तेरे लिए नहीं स्वाति, मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तो सोचा उसके लिए पहले से बनवा लूं। फिर निया कहने लगती, मम्मी आप तो भाभी को साड़ी भी गिफ्ट कर सकती थी, हार की क्या जरूरत। तब सरला जी कहती, निया मैं साड़ी दे सकती थी पर पहली मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, और मुझे डायमंड रिंग दे सकती हो तो बहू को क्यों नहीं, बहू भी मेरे लिए बेटी है, अगर मैं उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। इस तरह निया को समझ आ रहा था भाभी के लिए मम्मी का अटैचमेंट बढ़ रहा है। तब वह तुन कहती है कि अब तो मम्मी भाभी ही प्यारी हो गई, जो उसके लिए इतना सोच रही हो, बेटी की जगह भी ले ली, आखिर हो भी क्यों ना, आखिर बहू सेवा जो करती है। तब सरला जी भी डांटते हुए कहती हैं, अब बहू दुआ निया अब मैं स्वाति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी,
फिर सवाल जवाब करते हुए कहती है, मम्मी बहू सर सड़ाओ, फिर कुछ बुराई न बताना, फिर क्या था? फिर सरला जी ने पूछा, तो आखिर शादी क्या है? मैं और तेरी भाभी एक होकर न रहे, मैं दुखी रहूं और उसे दुखी करूं, बस तू जब भी आए मैं अपने दुख भरी कहानी का पिटारा खोलकर तू तेरे सामने बैठ जाऊं, तभी तुझे सुकून मिलेगा। तू नहीं शादी क्या? तेरी माँ और भाभी खुश रहे क्या? तेरे साथ भी ऐसा? तेरी ननद तेरी सास को भड़काती है? नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अगर तेरे साथ नहीं होता तो तू कैसे सोच सकती है? बहू का दर्द तुम क्यों नहीं समझती? तू भी एक बहू है, अगर तेरे साथ ऐसा हो तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना निया बेटा, तू अपनी सोच बदल, फिर देखना कि तुझे भी कितना अच्छा लगेगा, साथ ही खुशी मिलेगी। तब निया को समझ आता है कि उसकी कितनी गलत सोच थी, जो एक बहू होकर भी बहू का दर्द नहीं समझ रही थी। अब उसे समझ आया कि बहू भी बेटी से बढ़कर हो सकती है। इस तरह उसने माँ के साथ रहकर भतीजे की देखभाल की और भाभी के प्रति भी मन के भाव बदल।